नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्य नमो समय सार शुभ निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जला भई सिद्ध परमात्मा वंदो मन वच का। प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते। आगे का वाक्य बोलो। प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते, आगे बोलना है। निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं, इसलिए अपनी शक्ति आदि का विचार करके प्रतिज्ञा अवश्य करना। दोहरा भैया वाक्य दोहरा। नहीं रुकते, अच्छी तरह बोलो, बहुत निसंगता है। निरंतर आशा बनी रहती है, हाँ, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना। ठीक है, इससे जुड़ेंगे हम अभी। कैसे करना प्रतिज्ञा बोलो। सातवें अधिकार में लिखा भी है, ऊपर भी लिखा है मंदिर में, बता। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञानी हो, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञानी हो। प्रतिज्ञा करने के लिए क्या करें? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञानी हो, इसको अपनी भाषा में बोलो। तत्व कहते हैं स्वरूप को, प्रतिज्ञा का स्वरूप जाने, प्रतिज्ञा का स्वरूप जाने, अपना स्वरूप जाने। किसके लिए प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा, वो सब तत्व ज्ञान में सात तत्व अंतर्गर्भित हैं। जैसे सात तत्व ही घटाओ प्रतिज्ञा में, बोलो प्रतिज्ञा कौन सा तत्व है? प्रतिज्ञा कौन सा तत्व है? संवर तत्व है, निजरा तत्व है। ठीक है ना, उसका फल क्या है? मोक्ष तत्व है। उसमें बाधक कौन है? आश्रव और बंध तत्व। प्रतिज्ञा किसके आश्रय से होगी और प्रतिज्ञा में बाधा किसके आश्रय से पड़ेगी? इधर देखोगे तो प्रतिज्ञा ढीली होगी, इधर देखोगे प्रतिज्ञा मजबूत। क्या करें, भाव तो है लेकिन शरीर बहुत कमजोर है, प्रतिज्ञा का मन ढीला हो जाए। पर के स्व के आश्रय से प्रतिज्ञा होती है, पर के आश्रय से अविरति होती है, असंयम होता है, प्रतिज्ञा टूटती है, ये समझ। नहीं हो तो होगी नहीं पर का जब तक लक्ष्य करोगे, और यदि पर का लक्ष्य किया और प्रतिज्ञा ले ली थी उसके बाद तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी धीरे धीरे। पर के आश्रय से प्रतिज्ञा में दोष लगते हैं, स्व के आश्रय से प्रतिज्ञा निर्दोष होती है। चाहे शरीर का लक्ष्य हो, चाहे विषयों का लक्ष्य हो, चाहे स्वास्थ्य का लक्ष्य हो, चाहे पद का लक्ष्य हो, चाहे वैभव का लक्ष्य हो, क्या करें भाई, अब रोज कैसे बनेगी, क्या होगा, मतलब वो ढीले हो जाओगे। यहां पर का लक्ष्य होगा,
तो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, ये तत्व ज्ञान होना चाहिए। प्रतिज्ञा लिए बिना आगे बोलो, वो तो हो चुका, अब दूसरा बोलना। ऐसे स्वाध्याय करो, बैठो, पूछो अपने से ही, अपने गुरु आप बनो, अपने शिष्य आप बनो। एक योगी आसन बनावे, आप बनावे, आप ही खावे, खावत न। एक योगी ज्ञान सिखावे, आप सिखावे, आप ही सीखे, सीखत ना है अब आप। प्रतिज्ञा लिए बिना निरंतर अविरति का बंध होता रहता है। बंध के कितने हेतु है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कथा, योगा, बंध, हितवा। तो प्रतिज्ञा लिए बिना निरंतर अविरति का बंध होता रहता, बिना किए। जब तक विषयों का त्याग नहीं है तो विषयों का में प्रवृत्ति किए बिना, विषयों के बारे में सोचे भी नहीं तो भी उसका बंध होता रहता है। कोई दृष्टांत याद है? बोलो। है बिजली नहीं जलाओ तो अभी मिनीवर चार चलता ही रहेगा। जब तक उसको पैसा को लौटाओगे नहीं, ब्याज चलता रहेगा। हम हो गया, धरे धरो, उधरो चाहे जब दे, धरे से काम नहीं चलेगा, देने से काम चलेगा। इसमें एक बात और कही थी, ध्यान हो तो जब बिजली जलाओगे तो ज्यादा बिल आएगा, नहीं जलाओगे तो अभी मिनिमम बिल आएगा, और कदाचित कनेक्शन बे काट जाएंगे तो अभी तुम जुड़वाओगे तो पूरा बिल आएगा। माय पेनल्टी, बिल नहीं आए उसके लिए तो एक ही बात है, बे कनेक्शन काटें ऐसा नहीं। आप एक आवेदन लगाइए, हमको अब बिजली की जरूरत नहीं है, आप अपना कनेक्शन ले जाओ। माने बे कनेक्शन काटें ऐसा नहीं, हम स्वयं कनेक्शन काट। कनेक्शन का हिंदी जानते हो? संबंध। माने बेसंयोग हमें छोड़े इससे मतलब नहीं है, हम उन्हें छोड़ें, उनसे संबंध छोड़ें। ये पिताजी हमें छोड़ के चले गए तो उससे तुम्हारा क्या भला होगा? तुम पिताजी के प्रति मोह छोड़ते तो तुम्हारा भला होता। हम पिताजी मोह से कहेंगे बेटा आगे देखो, हमारा बुढ़ापो देखो, को संवारे जी जायद, को करे वो बुढ़ापे में सेवा, को करे, तुम कह रहे हम ब्याह नहीं करेंगे, ऐसे कैसे काम चले वो सोचो। अब तुम अकेले लड़का हो, तीर्थंकर भी अपने पिता के अकेले थे, पिताजी के मोह के, पिताजी तुम भी मोह छोड़ो। मोह छोड़ने का यहां इस प्रसंग में अर्थ बताओगे? इस प्रसंग में अर्थ मोह छोड़ो का मतलब विषयों में सुख मानना छोड़ो, संयोगों में विषयों में सुख मानना छोड़ो, तुम भी मोह छोड़ो। पिताजी तुम भी संयम के मार्ग को अंगीकार करो, हमें मत रोको, तुम संयम के मार्ग। बेटा हमको मत रोको, तुम भी संयम का मार्ग अपनाओ। कनेक्शन बे काट जाए, हमें जरूरत बनी रहे, हम चुपचाप फिर डालने या डलवाने जाए तो फिर पूरी पेनल्टी, पूरा बिल लगेगा। वो तो हम कनेक्शन काटे, और कनेक्शन काटने का मतलब क्या है? हमको जरूरत नहीं है, ऐसे हमको विषयों की जरूरत नहीं है, हमने अपना स्वाभाविक सुख अपने में देख लिया है, हम अपने आनंद में तृप्त रहते हैं, हमको इन विषयों की अब जरूरत नहीं है। बोलो ये भाषा समयसार जी में टीका में लिखी हो, एक कलश ही है ऐसा, हे कर्म रूपी विषवृक्ष के समस्त फलो मेरे बिना भोगे खिर जाओ, हमको जरूरत नहीं है। ये
कर्म रूपी विश्ववृक्ष के समस्त फलो मेरे बिना भोगे ही खिरिया। ये फल तुम्हारे लिए रख दें, कल ले लेना। अरे भैया हम अब लेंगे ही नहीं, हमें तो फलों का 8 दिन त्याग है, जीवन भर त्याग है, अब बता अब कर अब क्या करोगे। ऐसे इस पुण्य फल का कर्म फल का अनंत काल के लिए त्याग, ये प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम निरंतर चलते रहते हैं, आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। देखा था तुमने, नहीं बन रही सो त्यागी हो गए, चले आए, रह रहे महीनन रह रहे और फिर अब हमारी सलाह हो गई तो बात खत्म हो गया। ये कोई त्याग थोड़े ही है, तो कैसे प्रतिज्ञा करें फिर? बस कुछ नहीं, आशे त्याग प्रतिज्ञा कर लिया हमने, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं होती ना समझी से। प्रतिज्ञा कैसे करेंगे? हाँ, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, समझ गए ना, प्रतिज्ञा ये संबंध नजर आ तत्व है मेरे लिए हित रूप, हित का कारण है, आत्म हित हित प्रतिज्ञा, आत्म हित हित ये आत्मा के हित का कारण है, हित रूप है, इसमें तो मेरा ही हित है। तत्व ज्ञान का अधूरा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। और ये बाह्य त्याग भी अंतरंग त्याग के लिए निमित्त है, अवसर देता है। जैसे तुम अभी रह रहे हो, कहीं घर गृहस्थी में होते तो ऐसे थोड़ी रह लेते महीनों सालों। अब ये भी सुन रहे हो, तुम भी सुन रहे हो, जे जाएंगे अब दुकान जाने, अब वो आ गया उसको जाना, अब तुम्हें इसकी चिंतन मनन के लिए खूब अवसर है दिन भर। अब नहीं करो तुम्हारी गलती है, लेकिन अवसर तो है, इनको बेचारों को अवसर नहीं, अब जाना तो क्या करें वो। अरे कभी कभी तो जाते हैं और जाकर के बैठ नहीं पाते, तो रोटी नहीं खा पाते, तो भी आ गए चलो। निवृत्ति निवृत्ति होती है तत्व निवृत्ति रूपम, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, प्रतिज्ञा हित रूप है हमारे लिए, हित का कारण है। व्यवहार प्रतिज्ञा हित का निमित्त है, परमार्थ प्रतिज्ञा हित रूप है। अब जब तक ये तत्व ज्ञान ही नहीं है, हित रूप समझा ही नहीं, तब तक क्या होगा? उत्साह नहीं होगा, ठीक है ना। जिसका त्याग करना है उसके दोष पहचाने, इसमें दोष क्या है ध्यान रखना है। इसमें हमने एक सूक्ष्म बात कही थी, बोलो। मान लो हमें चमड़ा छोड़ना है, जमीकंद छोड़ना है, रात्रि भोजन त्याग छोड़ना है, एक कल्पना करो, तो विचार करो अब इसके दोष पहचानो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत देकर के कही थी, सीता को हमें छोड़ना है रावण से कह रहे, अब दोष पहचानो, ये मेरी नहीं है, ये दोष है बस। सीता में क्या दोष? सीता सुंदर है, शीलवती है, गुणवान है, बोलो धर्मात्मा है, सीता में क्या दोष है? फिर सब जने क्यों कह रहे रावण से, ये सीता का छोड़ो, सीता को छोड़ो, सीता को छोड़ो, क्यों कह रहे?
कि सीता मेरी नहीं है और मेरी हो भी नहीं सकती। सीता मेरी नहीं है, मेरी हो भी नहीं सकती। चाहे जितने प्रलोभन दिखाओ, चाहे जितना भय दिखाओ, सीता से रावण की नहीं होगी। मरना है तो मर जा, तुझे मरना है तो मर जा, पर जब तेरे नहीं होंगे। फिर व्यवहारिक चर्चाएं आई, सीता में क्या दोष है, कैसे समझा रहे थे रावण को सीता के छोड़ने के लिए। उद्गल तो बहुत बाद की बात है, ये सीता के प्रति जो तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, अभिलाषा है, तुम्हारे कुल की कीर्ति को मलिन करने वाली है, धर्म का नाश करने वाली है, सुख का घात करने वाली है। ये सीता के प्रति जो तुम्हारी अभिलाषा का भाव है, वह तुम्हारी कुल की कीर्ति को मलिन करने वाली है, धर्म का घात करने वाली है और सुख का घात करने वाली, नाश करने वाली। इस शैली में प्रतिज्ञा को के ऐसे इस शैली में दोष पहुंचा रहा हूं, उसमें दोष नहीं, उसके लक्ष्य से होने वाले परिणाम में क्या दोष है ये देखो। वो तो निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है। स्थूल बुद्धि वालों के लिए वह भी कहा है, वह भी प्रयोजनवान है, लेकिन जैसे परिग्रह में क्या दोष है, परिग्रह अपने स्वभाव आपा भुला है, ये दोष है। विषयों में उलझा है, ये दोष है। नरकाधिक दुर्गति में ले जाए, ये दोष है। नाना प्रकार के विसंवाद करा, ये दोष है। तो दोष कहाँ आया, परिग्रह के प्रति जो मूर्छा भाव है ना, बाह्य परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव रूप अंतरंग परिग्रह, उसमें दोष है। उपचार थे उसमें भी दोष का। ये तो बहुत स्थूल बातें हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए घातक है, लोक निंद है, ये तो बहुत स्थूल बात है। मूल बात तो ये, त्याग करने में गुण क्या है, ये गुण को पहचाने। क्या गुण है त्याग करने में, गुण क्या है, बस फिर अपने रह गए आराम से, खूब धर्म ध्यान करो, अब कोई नहीं कह के पे कुछ नहीं, कोई उलझन नहीं, खूब धर्म ध्यान करो। मुनराज अपनी आराधना बढ़ाने के लिए ही तो जंगल में जाते हैं, मुनराज होते हैं। यहां तुम बैठ जाओ स्वाध्याय करने, कहूं जी आ जाएंगे, कहूं जी आ जाएंगे, कहूं जी आ जाएंगे, कहूं भी आ जाएंगे, पहले भोजन कर ले फिर बैठे रहियो, भोजन तो कर ले, कोई बोलेगा नहीं तो चुपचाप ऐसे देखेगा, कोई कहे उठो नहीं भोजन कर लियो, कछु ले लो, बहुत देर हो गई, गर्मी बढ़ जाएगी। और जंगल में जी बैठे हैं, निमंत्रण किसी का माना नहीं है, अब जी बैठे हैं, उपयोग होगा तो जाएंगे, नहीं उपयोग होगा तो नहीं जाएंगे। ना अपने निमित्त से दूसरों को कोई विकल्प है, ना दूसरों के लक्ष्य से अपने को कोई विकल्प है, स्वाधीनता। प्रतिज्ञा हमें स्वाधीन बनाती है, त्याग हमें स्वाधीन बनाता है, राग से पराधीनता, राग से पराधीन होता है। बाह्य में सामग्री ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। काय की सामग्री, सुख की सामग्री, ज्ञान की सामग्री, अपने कार्य के साधन बाह्य में ढूंढोगे तो पराधीन हो जाओगे। मुंडाज को जाना है, अपने उठाए चल जाए, और तुम्हें गाड़ी देखोने पड़ेगी, घर की गाड़ी उठाड़ी हो तो ड्राइवर देखने पड़े, डीजल पेट्रोल देखने पड़े, हवा देखने पड़ेगी। बोलो
पराधीन, बाहर में साधन आप ढूंढोगे, बाहर के साधन को साधन मान पराधीन हो, स्वभाव के आश्रय से स्वाधीन हो। फिर अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शक्ति सामर्थ्य को देखे, हैं कैसा हमारा संयोग है, कैसे हमारे घर वाले हैं, कैसे शरीर की शक्ति है, कैसा क्षेत्र है, कैसा काल है, कि गर्मी का है कि सर्दी का है कि बरसात का है, हैं ये भी देखना पड़ते हैं जब उपवास आदि की प्रतिज्ञा करते हैं तब। पंचम काल ये भी देखना है, हमारे भाव में दृढ़ता कैसी है वो भी देखो। इसका मतलब है नहीं है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है, नहीं है तो करके ला। जैसे लौकिक में कोई दुकान से सामान लेने जाते और अपने पास 50 रुपया है और वो है 70 रुपए की, तो छोड़ो फिर, ए रखे रहियो, हम अब यार 20 रुपया और ले आए, या 20 रुपया लिख ले हम दे जाएंगे तुम, ऐसे ही तो करते। तो वर्तमान में अगर तुम्हें वो शक्ति नहीं दिखती है तो शक्ति बढ़ाओ, शुद्धि नहीं दिखती विशुद्धि बढ़ाओ, बिना नहीं दिखती बिना बढ़ाओ, जो नहीं है वो करो, जो नहीं है कहने से काम थोड़ी चलेगा, क्या करें हमारी बुद्धि नहीं है। अरे बुद्धि नहीं, बुद्धिमानों की सेवा करो, खूब अनुमोदना करो, हमारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, दान की अनुमोदना करो, हमारे पास समय नहीं है तो जो समय दे रहा है लगा रहा है काम कर रहा है उसकी खूब अनुमोदना करो। अब है भी नहीं और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं तो फिर अब क्या करोगे, फिर तो इतनी भी नहीं रहनी है। भाई कृत कार्य का अनुमोदना, अब भगवान के कलश कहते करे करावे देखे अनुमोदना करे ताकि सकल कर्म के छाए हो, बोल दे देना अब भाई हम नहीं कर पा रहे, करो तुम करो भाई, कोई तकलीफ हो तो हमें, हम सहयोगी बैठे, बोलो क्या करना, तुम निश्चिंत होकर के स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो, खूब निश्चिंत होकर। जैसे माता पिता बच्चे से कहते बेटा तुम तो खूब पढ़ो, कोई चिंता मत करो, जो चीज जरूरत हो खबर कर दियो हम पहुंचा दिए। बच्चे भी योग्य होते हैं, माता पिता का उपकार मानते, पिताजी आप तो खूब धर्म ज्ञान करो, जहां चाहता रहो, जो जरूरत हो सो आपने खबर कर दियो हम पहुंचा दिए, ऐसा ही है। धर्म बुद्धि माने धर्म की अनुमोदना होती है, धर्म बुद्धि में धर्म में सहयोग होता है धर्म कार्यों में, स्वयं धर्माराधन तो होता ही है लेकिन धर्माराधन होता है, धर्माराधन की में सहयोग होता है और धर्माराधन की अनुमोदना होती है। और हम क्या कसरत है, हमें शक्ति नहीं है, अनुमोदना करने भी शक्ति नहीं है, सोचो अनुमोदना तो कर ही सकते कम से कम, और जहां रुचि है वह पाप के कार्यों की तो अनुमोदना करते हैं आप, आपके कार्यों की अनुमोदना तो आप करते हैं, तो धर्म कार्यों की अनुमोदना करने में कौन सी तुम्हारी शक्ति, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा, कैसे प्रतिज्ञा करे बोलो ना, कम से कम ऐसे गिनते जाया करो, बोलते जाया करो, हाँ बोलो, ये तो हो गया ना। त्याग करने में जिसका त्याग करना उसके दोष पहचाने, त्याग करने में गुण क्या है सो पहचाने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करे, फिर आगे क्या लिखा, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न कर ले वे, और न वर्तमान परिणामों में कुछ ढिलास है तो प्रतिज्ञा छोड़ दे वे। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही नहीं कर बैठेगा, भविष्य में जिसका निर्वाह होता जाने ऐसी प्रतिज्ञा करे, हैं तो भी ऐसी करे जिससे निरंतर परिणाम चढ़ते रहें। ये प्रतिज्ञा लेने की विधि है, दोहराया करो एकादिन, अरे रोज एकादिन से काम चले,
सत्कर्माणि दिने दिने हैं, और आत्मान भवन क्षणे क्षणे, आत्मान भवन क्षणे क्षणे। सारे कार्य नियत समय पर करो और वेद ज्ञान समय करो। अब देखो प्रतिज्ञा करने में, एक प्रतिज्ञा में अनेक प्रतिज्ञाएं होती हैं। जैसे एक विवाह होता है तो विवाह में एक प्रतिज्ञा ही तो है। अब विवाह की जब प्रतिज्ञा होती है या जो कुछ प्रक्रिया होती है तो उसमें सात वचन स्त्री देगी, सात वचन पुरुष, ऐसे ही तो होता है। अब ये बताओ, वो भी प्रतिज्ञा साथ में। हमारा मतलब ये है, अगर आप ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा धारण कर रहे हैं तो नौ बारों की भी प्रतिज्ञा साथ में आना चाहिए, ये कहने का मतलब। केवल ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले लिया हमने और नौ बारों की प्रतिज्ञा नहीं है तो नहीं बनेगी आप। अगर आप अवक्ष भक्षण के त्याग की प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो फिर इन्हें होटल में खाने की त्याग की भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बोलो। क्या कहूं, पंगत में तो जाके नहीं बैठ जाओगे? ए आलू बन दिए हमें और चम्मच तो सब आलू की डरिया, हाथों में सब लगे भाई, हाथों से पूरी छो रहे, हम तो गए सो फिर पूरी ही खाया है और बूंदी खाया है, आलू हम खाते नहीं। ठीक है भैया, जो कुछ है वो बहुत मोटी बात है, लेकिन विचार करना प्रतिज्ञा में उसकी रक्षा करने के वाली भी तो प्रतिज्ञा करना पड़ेगी है? अब चरणान योग की शास्त्री चर्चा सुनाओ। अगर आपको पंच अनुवृत्ति की प्रतिज्ञा करनी है, निभाना है, तो गुणव्रत और शिक्षा व्रतों की भी फिर आपको अंगीकार करना पड़ेगा। रक्षा कौन करेगा, वृद्धि कौन करेगा, जी बताओ। अब हमारी कमी ये हो जाती है, कुछ नहीं, अपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, नौ वालों की भी तो प्रतिज्ञा करो। भाई कोई हम ये चाहें, ये हाथ से बहुत काम करना पड़ता है तो इस हाथ को ही मजबूत बना ले, ताकत दे, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो पूरा शरीर पुष्ट होगा। डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो जो हाथ में अकेले में ताकत आ जाए, हमें हाथ ही काम, पैरों से कुछ नहीं, वो तो हम बैठे ही रहते हैं, ऐसा कहीं होगा? पुष्ट होगा तो पूरा शरीर पुष्ट होगा, कमजोर होगा तो पूरा शरीर कमजोर पड़ेगा। सांगोपांग होना चाहिए कि नहीं? अब इस प्रसंग में ये चर्चा, ये समझ में आ गई है चर्चा? मतलब एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के लिए उसकी चारों ओर की प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, कुसंग से भी बचना पड़ेगा। शील निर्देश का में पहला निर्देशन क्या लिखा बता, प्रतिज्ञा के बाद पहला निर्देशन कुछ नहीं बता पाते, कैसे स्वाध्याय करते हो भाई? देखो भाई, शील को धारण करने वाले भगवान पंच परमेश्वरी देव सास गुरु, शील का स्वरूप बताने वाले, शील की महिमा बताने वाले, शील के पालन की विधि बताने वाले कौन है? भगवान। सबसे पहले जिसे शील पालना है तो देव सास गुरु का श्रद्धान करो, उसके बिना आप अकेला शील नहीं पाल पा। दुनिया जाने काय काय को ब्रह्मचर्य कहती, काय को शील कहती, कुछ हो जाए कुछ खबर। शील का जैसा स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो शील पालने लायक है कि नहीं, बोलो। अब तुम्हें उन्हीं की श्रद्धा नहीं है तो अरे भाई, वैद्य का भी भरोसा चाहिए,
उस औषधि का भी भरोसा चाहिए, उस परिचारक का भरोसा चाहिए। आहार लेने गए तो श्रावक का भी भरोसा चाहिए, श्रद्धावान होता है कि नहीं, और श्रावक का भरोसा मुनराज भी श्रावक का भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। अजी बताओ, बाजार के घी में और तुम्हारे अठपेरा घी में, या तुम ऊपर से दिखाई जाए तो क्या अंतर दिखाई दे। तुमने बाजार से ला के रख दो कि तुमने अटपेरा कर दिया कि अटपेरा के नाम पे दो दिना को कर दो का कर दो। अब जी तुम्हें ही तो जानोगे भाई, तुमने कहा मन वचन का आहार जल शुद्ध है तो शुद्ध माने शुद्ध। जानबूझ करके ये तो नहीं होगा भाई, भरोसे पर सारे काम होते हैं ना। हम कहते चोरी के धंधे भी होते भरोसे पर होते हैं, इतनी जल्दी फटाफट होते हैं, उन्हें कितने इतने होंगे, उन्हें इतने होंगे, उन्हें बड़ा टची पटकाई बने पटकाई छुट्टी लगभग, और गिन ले जाके बोते ही होंगे। अरे विश्वास पर ही तो सारे काम चलते हैं, लेकिन लौकिक क्षेत्र में जिसे विश्वास कहा जाता है वो विश्वास मोक्ष मार्ग में काम नहीं देगा। मोक्ष मार्ग में देवसास गुरु का विश्वास चाहिए, भले सोवी कच्चा पक्के की बात नहीं है, सच्चा विश्वास चाहिए स्वरूप समझ करके। एक चर्चा सुनाई थी आपको, एक व्यक्ति को बहुत तकलीफ का कोई प्रसंग बन गया, उसने कुछ नहीं भगवान महावीर स्वामी की पूजा करेंगे हम तो, वो धनाधन पूजा में लग गया, संयोग से चार दिन में उसका काम हो गया, बस उसको जम गई बात, कुछ नहीं भगवान की पूजा ही सब काम करने वाली है, उसी से सारी कामनाएं सफल होती है, कुछ नहीं हो सब बेकार है। फिर दोबारा कोई प्रसंग बना तो उसने फिर पूजा करी भगवान की, तो फिर काम हो गया, फिर उसने काम की, फिर कोई प्रसंग बना तो फिर पूजा करी तो फिर काम हो गया। अब मालूम वो कैसे कहता, हमको तो पक्का विश्वास है जब जब कर्म डाये बिल्कुल पूजा करो काम होता ही है, हमको तो पक्का विश्वास है। अरे पक्का नहीं, पक्का भले हो लेकिन है तो मिथ्या। हो सकता है उस समय तुम्हारा पुण्य उदय हो, तुम्हारे अनुकूल परिवर्तन हो गया हो, लेकिन जब जब पूजा करोगे तब तब तुम्हें अनुकूलताएं मिल ही जाएंगी, ऐसा भ्रम मत पाल लेना। कोई तीव्र पाप का उदय हुआ तो उस समय प्रतिकूलता भी बढ़ सकती है। अरे जिनकी पूजा कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, उन मुनिराजों पर देखो उपसर्ग होते रहे और दूर नहीं हुए। तो इसलिए पक्का बक्का नहीं, सम्यक सम्यक चाहिए। आपको स्वाध्याय में कितनी बार हम ये कहते हैं, हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है, ये पुण्यबंध का कारण है थोड़ा सा, लेकिन सच्ची बात है ये समझो। अच्छी और ऊंची बात है ये समझोगे तो केवल पुण्यबंध होकर के रह जाएगा। सच्ची बात है, सच्ची तो यही है, जब ये समझ में आएगी तब तुम्हारे सम्यक्त के सन्मुख बना होगा। क्यों, बहुत अच्छी सड़क है कि सही रास्ता है, क्या समझना पड़ेगा? सही रास्ता ये शब्द आएगा कि बहुत अच्छी सड़क, बहुत अच्छा रास्ता है, तुम तो चले जाओ। क्यों, बहुत अच्छी सड़क पे चले जाओगे तो काम चलेगा कि सही रास्ते पे चले जाओगे तो काम चलेगा? कभी ऐसा भी हो सकता है सही रास्ता कच्चा हो, उबड़ खावड़ हो, और बगल में अच्छा रास्ता जा रहा हो हाईवे, लेकिन वो अच्छा छोड़ करके सही पर आना पड़ेगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है अनादिकाल से वो छोड़ करके तुम्हें सही रास्ते पर आना पड़ेगा। अनादिकाल से मोह के कारण तुम्हें इंद्रिय सुख अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, संयोग अच्छे लगते हैं। देखो कैसे अच्छे लगा, अरे ऐसे अनंत गुना अच्छा, जब तुम अपने एकांत में बैठोगे स्वरूप में कोई नहीं होगा तब अच्छा लगेगा। कैसी बातें करते हो, आज अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग चले गए, अकेले रह गए, फिर हम अब फिर भगवान को नाम लेके सो गए बने, मजबूरी की बातें करता है। भैया देखो, संयोग नहीं होना होना अलग बात है, अच्छा लगना और बुरा लगना ये है भीतर की पढ़ने।
जब तक उसको नीम अच्छा लगता है तब तक समझना ढेर चढ़ा है, जब तक मिश्री कड़वी लगती है तब तक समझना पित्तज्वर है, अभी ठीक नहीं है। मिश्री कड़वी क्यों लग रही है? मिश्री कड़वी उस समय भी नहीं, मुंह कड़वा है, तेरे मुंह का स्वाद कड़वा है और लगती मिश्री कड़वी है। इसलिए पालना है सील, सील प्रतिज्ञा करनी है तुमको और सिद्धांत करना देव सतगुरु का। देव सतगुरु के सिद्धांत के बिना अब कैसा सील पालोगे, किस लिए सील पालोगे, कैसे सील पालोगे? अगर तुम्हारे परिणाम चल विचल होंगे तो कैसे अपने परिणामों को संभालोगे? भोगों के प्रलोभन सामने होगे तो कैसे बचोगे आप? ये सारी विधियां तो आपको आएंगी, क्या अकेली सील प्रतिज्ञा बस सील प्रतिज्ञा हो गई? नहीं, बहुत छोटा सा दृष्टांत आपको याद रहना चाहिए कि इलाज के लिए दवा खाना ऐसा नहीं, दवा खाएंगे अरे कौन सी कैसी कितनी और कैसे किस अनुपान सहित, ये तो हमें कुछ नहीं मालूम, तो चुपचाप वैद्य के पास जाओ पहले। तुम्हें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको आता है उसके अनुसार चलो, उसको सौंप दो। हम आप कहते हैं ना, निरोग होने के लिए अपने को वैद्य को सौंप देना पड़ता है। तुम चाहे चीरो, चाहे वह छेदो, चाहे दबाओ, चाहे उसके ऊपर पट्टी बांधो, चाहे रोटी खवाओ, चाहे दूध पियाओ, चाहे सब बंद कर दो बिल्कुल अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, अकल है ही नहीं लगाने लायक, करें क्या? जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में तुम्हारी अकल नहीं है, अब तुम अपनी अकल लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तुम्हारी बुद्धि नहीं काम देती, उल्टी बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है, अब तुम अपना ज्ञान लगा, अपनी बुद्धि लगा, नहीं चलेगी। जो कह रहे हैं बस चुपचाप करो, ये तो साफ व्यवहार है। हाँ है ना व्यवहार, हम नहीं जानते व्यवहार, हमें पढ़ा रहे व्यवहार है, हम क्या परमार्थ मान रहे हैं और परमार्थ मनवा रहे हैं, लेकिन व्यवहार है कि नहीं है जी बता, ये सब व्यवहार है। इसे क्या हो जाएगा? वैसे ही एक काम करो, एक नरियल ले आओ। बोले साहब जो तो जटाजूट है इसमें, तो जटाजूट है, हम जटाजूट को खाने के लिए थोड़ी कह रहे, जटाजूट को निकालो, नरेटी को फूलो, और तुम कहते हो नरियल खाओ, बता हमें दाँत ही नहीं, अब कैसे खाएंगे हम नरियल? अरे किसो पीसो, चटनी पीसो खाओ। मैंने वो जो वैद्य है वो सारी विधि बताएगा कि नहीं था? दांत है उसको दांत की, दांत नहीं है तो उसको बिना दांत की, तुम रस पियो, रस ले ले जाओ, बताएगा नहीं? तुम तो जो है सो करो, काम खत्म है, हमें बुद्धि कम है, समय कम है, कोई बात नहीं चलेगी, लेकिन श्रद्धा भी बड़ी था तो नहीं चलेगी। तो एक मूल प्रतिज्ञा के लिए कितना करना पड़ता है बोलो? क्यों विवाह लड़का लड़की का ही तो होना है, ये पंचनी का जरूरत है ना, का को पूरी खवा का करने बन को कच हो सके, तुम्हें अनाचार नहीं फैल जाएगा, चाहे कोई चाहे किसी के हाथ पकड़ करके ले जाएगा और चाहे कब चाहे किसी को छोड़ देगा, अनाचार नहीं होगा। ये पंच साक्षी हैं, पंच परमेष्ठी हैं, वे तो बीतरागी हैं, उनकी बात अलग है। पंच परमेष्ठी को साक्षी किस लिए बनाया और पंचों को साक्षी किस लिए बनाया बोलो?
बोला पंच परमेश्वरी को साक्षी लिए इसलिए बनाया, हे प्रभु अभी हमारा राग नहीं टूटा है, हम इसी में अटक करके न रह जाए, आप हमारे सिरमाते रहो, हम कब यहां से निकले। उनको वितरागता के लिए हम साक्षी बना रहे और पंचों को काय के लिए साक्षी बना रहे, कोई लोक व्यवहार हमारा बिगाड़ न जाए, उल्टा न हो जाए, हम चलायमान हो तो क्या करते हो तुम। अबे भगवान थोड़ी बोलेंगे, वीतरागी गुरु राग की बातें थोड़ी बोलेंगे, राग का पोषण थोड़ी करेंगे। तो जहां जो है वो है व्यवहार, व्यवहार है परमार्थ, परमार्थ है। पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा इसी समय सार जी की टीका में भावार्थ में, सर्व नयों की कथनचित सत्यार्थता का सिद्धांत करने पर ही सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। एकांगी सोचना ही, एक आंख को ऐसे बंद कर लो हैं, दूसरी आंख से जरूरत है देख लो, लेकिन एक आंख फोड़ो नहीं। एक रस्सी को ढीला करो, दूसरी को कसो, लेकिन ऐसा नहीं तान के बैठ जा, वो तो जग जिस क्रम चलेगी हुआ। जब तुम्हारा उपयोग अपने स्वरूप में नहीं रहे तो क्या करोगे, मुनराज भी क्या करेंगे, गर्दर आदि भी क्या करेंगे, बोलो आप। मुनराज गर्दर आदि भी जब पंडित टोटरमल जी की भाषा बोलिए, जब ध्यान में उपयोग नहीं लगता तो ज्ञानाभ्यास करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, चिंतन करते हैं, यही तो करते। उन गुरुओं के प्रति, भगवंतों के प्रति भक्ति भाव में वंदना में प्रवर्तते हैं। क्या तेरा उपयोग गर्दर आदि से भी अच्छा हो गया है? जो कहता है जिनवाणी का स्वाद है वो तो विकल्प है। सुन, इस विकल्प को छोड़ने जाएगा इस भूमिका में तो बहुत विकल्प होंगे और वे बहुत कसायागर्भित होंगे, अशुभ विकल्प होंगे, फिर जाकर झेल नहीं पाओगे उन विकल्पों को। विकल्प विकल्प महाराज, अंत में तो आत्मा ज्ञान स्वभावी नित्य अद्वैत यही तो सिद्ध हुआ, तो इतना ही सिद्धांत करना सम्यक तो है कि नहीं, कि नहीं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कहा हुआ सर्वांग आत्मा वह है, जैसा अद्वैत तुम कह रहे वैसा अद्वैत नहीं है। अद्वैत में फिर अनंत गुणों का समूह कैसे हो गया, अनंत गुण कैसे आ गए ये बता। अखंड तो है लेकिन अनिराकृत खंडम अखंडम है। एक दृष्टांत बताता ना, जैसे कभी कोई अपनी चर्चा आती, हम सब एक हैं, ये तुम कुछ पढ़े लिखे हो तुम क्या बोलते हो, हम सब एक हैं। अरे मैं एक हूं ये तो ठीक हुआ, हम सब एक हैं ये तो गलत बोल रहे व्याकरण, हम सब बहुवचन हो गया, ये कैसे बोलते। और हम सब एक हैं और इतने लोग हैं एक हैं, तो एक काम करो, एक एक जना रोटी खा ले सबके पेट भर जा, बोलो। अरे भाई जिस विवेक्षा से कहा जा रहा है उसी विवेक्षा से समझना, हम सब एक हैं कहने वाला भी सबकी सत्ता को स्वीकार कर रहा है, भिन्नता को जान रहा है कि नहीं, और उस समय भी सब भिन्न भिन्न है कि नहीं, लेकिन हम सब एक हैं झूठा बोल रहा है क्या, नहीं सियादवादी। हम सब एक हैं माने हमारा लक्ष्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हम इसके समर्थक हैं, हम सब एक हैं। देश पे संकट आता है तो जितनी पार्टियां सब कह देती चलो हम सब अपन इस मुद्दे पे सब एक हैं, सबक सिखाओ, शत्रु आक्रमण कैसे कैसे करना है, आतंकवादियों का, हम सब एक हैं। और वैसे पार्टी सब अलग अलग है कि नहीं है, तो ये बताओ
एक है तो अनेक गुणों का समूह है, तब एक है कि अनेक गुण जिसमें नहीं है ऐसा एक है। अनंत पर्याय है तब एक है कि अनंत पर्याय है ही नहीं, क्या हम सब एक हैं? विचार करो, लौकिक में भी स्यादवाद के बिना यथार्थ भाव वासना नहीं होती, तो यहां स्यादवाद के बिना तुम कैसे निर्णय करोगे? अब यहां क्या कहा, ये प्रतिज्ञा की बात इसलिए बीच में आ गई अपना आज का विषय, कि प्रतिज्ञा लिए बिना निरंतर आशा बनी रहती है, प्रतिज्ञ पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करना चाहिए परिणामों को रोकने के लिए। परिणामों को रोके और प्रतिज्ञा भी करे तो दोनों काम अलग अलग है। हाँ सुनो, प्रतिज्ञा कर लेने पर भी ज्ञानाभ्यास के बिना परिणाम नहीं रोकेंगे, और ज्ञानाभ्यास करते हुए भी बिना प्रतिज्ञा के परिणाम नहीं रोकेंगे। इसलिए परिणाम भी रोके और प्रतिज्ञा भी करे। तुम ज्ञानाभ्यास खूब करो और प्रतिज्ञा मत लो तो अभी परिणाम नहीं रुकेंगे, और प्रतिज्ञा ले लो ज्ञानाभ्यास मत करो तो अभी परिणाम नहीं रुकेंगे। इसलिए परिणामों को रोके, प्रतिज्ञा के बंधन में पड़ना ठीक नहीं है, इस कुयुक्ति का कुतर्क का खंडन कर दिया। परिणाम को रोके और प्रतिज्ञा भी अवश्य करे, और प्रतिज्ञा लिए बिना असंयम का अविरति का निरंतर बंध होता रहता है। ये चर्चा आ गई ना। अब यहां क्या कह रहे, अब भाई देखो, कर्म का बंध नहीं होता किनको, फल परित्याग सी लोगों ने। कर्म फल का त्याग की प्रतिज्ञा है हमारी। आगे एक सर्वशुद्धि अधिकार में काव्य आएगा, सकल कर्म फल संन्यास की प्रतिज्ञा करिए। सकल कर्म संन्यास की प्रतिज्ञा है, आशा ही नहीं है विषयों की, प्रवृत्ति नहीं जिनके ऐसा नहीं लिखा है, विषयों का चिंतन नहीं ऐसा नहीं लिखा है, विषयों की आशा नहीं जिनके, फल परित्याग एक शीरो में, कर्म फल की कोई आशा नहीं, कर्म फल का त्याग है हमारे अनंत काल तक। माने ज्ञानी जी वैसा सोच विचारते हैं, ये पुण्य का फल भी आएगा तो हम भोगेंगे नहीं, हमें त्याग है। जैसे आप कहीं जाओ और उनको मालूम नहीं हो, आपकी थाली में आलू की सब्जी आ भी जाए तो हम नहीं खाएं, हम नहीं खाएं। और त्याग नहीं है तो चलो भैया अब क्या करें, कुछ और है नहीं, एक दिन कल देखेंगे। और त्याग है तो नहीं, हम तो नहीं खाएंगे। फिर तुम पंगत में जाओगे तो तुम त्याग तो कर रहे आलू, पंगत में जाओगे तो पंगत में हम नहीं आलू नहीं खाएंगे, अलग से भोजन होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने सारी बातें सोचनी पड़ेंगी आपको कि नहीं सोचनी पड़ेंगी? बिना सोचे समझे तो काम थोड़ी होता, ज्ञान बिना आचरण नहीं होता, और सम्यक तो होता ही नहीं, विपरीत होता है। इसलिए पहले ज्ञान फिर आचरण। चारित्र में जो सम्यक शब्द का प्रयोग है वह अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान पूर्वक होने वाले मिथ्याचारित्र की निवृत्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो फल परित्याग एक शीरो मुनि। अब आप धर्मात्मा हो सकते हो, सुने भाई, क्या विषयों के त्याग, वो फलों के कर्म फल के त्याग की प्रतिज्ञा करके, कौन सा अंग है? निकांचित अंग। फिर आचरण में कितना किस भूमिका में कैसा होता है वो अलग व्यवस्था है, लेकिन क्या है? निकांचित अंग, भावसों को बांछा भान है, संसार सुखों की वांछा का त्याग। अब चले आगे, एक वांछा हमारी रह गई बस, और आप भक्तियों में पढ़ते हो, आलोचना पाठ में पढ़ते हो, सब जगह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बोलो? क्या नहीं
भजन में से बोलना, हाँ एक ये भी है, और बोलो, वो आलोचना में आ गया, भक्ति बोलो पहले। क्या यही है एक शिवरमणी बनवातनी है मुंडाज की? हाँ चाह नहीं, हमको ये चाह नहीं है, हमें कोई पूछे, हमें अनुकूल संयोग सामग्री मिले, हमें स्वर्ग मिले, हमें चाह नहीं है। क्या यही है एक शिवरमणी बनवात, हमें अपूर्ण दशा की चाह नहीं है, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, हमें त्याग है। और मिलेंगे तो क्या करोगे? क्या मिलेंगे तो हम अपने इंद्र पद में भी हम अपने को इंद्र नहीं मानेंगे, हम अपने को आत्मा मानेंगे। इंद्र पद मिलेगा तो इंद्र पद में भी हम अपने को आत्मा नहीं माने, आत्मा ही मानेंगे, इंद्र नहीं मानेंगे। वो स्वर्ग को रमणीय नहीं मानेंगे, अपने आत्मा ज्ञान वैराग्य को ही रमणीय मानेंगे। हम उस स्वर्ग के वैभव की अनुमोदना नहीं करेंगे, हम मध्य लोक में विराजमान धर्मात्माओं की अनुमोदना करेंगे, उनकी संयम की अनुमोदना करेंगे, उनमें सहायक होंगे और उसी पद को पाने की भावना भाएंगे। कब मनुष्पर्याय मिले, कब हम संयम को धारण करके अपनी आराधना को पूर्ण करें, इसका नाम है फल परित्याग। समझ में आना, ये प्रतिज्ञा करने लायक। बैठे रहो दिन भर सोचते रहो, समझ में आया ना? एक ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के लिए आपको नौ बाड़ों की भी प्रतिज्ञा करनी है। एक प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कितनी प्रतिज्ञा करते साथ में? जैसे लौकिक में एक राष्ट्रपति को बुलाना है तो कितना, ये देखो साहब, राष्ट्रपति को हम बुलाएंगे, कलेक्टर नहीं आएगा, हमारे यहां एसपी नहीं आएगा, हम अकेले राष्ट्रपति को बुलाएंगे, और कोई नहीं आएगा हमारे, कि वे तो पैरेंगे आने, उनके बिना तो तुम आगे चल ही नहीं पाओगे। विचार करो, बारे भावनाओं को भाए बिना आत्म भावना कैसे भावोगे? वैराग्य भावना को भाए बिना तत्व भावना कैसे भावोगे? सोचो, समझो, विचार करो। क्यों? अनादिकाल से तुम्हारा मोह में उपयोग तो उन्हीं में लगा है, अब वहां से हटो तब तो बात बनेगी। और इस शैली का प्रयोग आप लौकिक क्षेत्र में भी करते हैं, भैया वहां चलना है यार, और वो ऐसा कर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और ऐसा करना, तो उठो तो अब चलो तो क्या कहोगे? यही बैठे बातें बनाते रहे तुम, उठो अब चलो, बोले कहोगे कि नहीं कहोगे आप? तो ऐसे ही यहां, यहां से अपना उपयोग हटे तब तो यहां लगे, अब यही उपयोग रचा बचा है, इनकी अनित्यता असरणता दुख रूपता विचार करके इनसे यहां से उपयोग को समेटो खाली करो तब तो यहां लगो। इसलिए सारा उपदेश बाहर से देते बाहर आत्मा को, तुम ये सब संजट छोड़ो, सब बातें छोड़ो, तुम अपना कल्याण करो। सब छोड़े बिना कल्याण कैसे करोगे जी? बता, उपयोग शक्ति समय उसमें लग जाएगा तो यहां के लिए क्या करोगे? विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।